हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टार अकेडमी। आज के इस 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो शो में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो भी क्विज फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटन पैनल में ने कि निम्न में से किस देश में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी पर आपत्ति जताई है। आपको बताना है किसने जो विश्व व्यापार संगठन पे जो विवाद चल रहा था उस पर निपटाने के लिए उसने आपत्ति जताई सब्सिडी पर। तो नेपाल ने जताई है, चीन ने, भारत ने या फिर जापान ने। तो ये जताई गई है चीन के द्वारा, यानी कि बी इसका सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषणा किया है कि भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू किया जाएगा। तो भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन का किसने कौन शुरू करेगा फिर से? नेपाल, पाकिस्तान, ईरान या जापान? तो ये स्टार्ट फिर से कर रहा है ईरान सरकार के द्वारा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने हाल ही में ईरान और अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगा। ईरान के राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने घोषणा की थी 2015 के परमाणु करार में किए गए अपने वादों से पीछे हटकर उसने संवर्धन यूरेनियम उत्पाद में 10 गुना तक अधिक वृद्धि की है। इससे पहले अमेरिका भी करार से हट चुका है। तो इन दोनों ने अपने जो एक जो संधि होती है उससे हट चुके हैं ये दोनों। तो अब यूरेनियम संवर्धन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है ईरान के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है अभी कौन कौन वापस स्टार्ट कर दिया है, ईरान ने और अमेरिका ने। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खातों की निकासी सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दी है? तो अब आरबीआई ने कि जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक थी उसकी निकास सीमा जैसे 40,000 रुपये तक निकाल सकते थे, आपको बताना आप कितने तक निकाल सकते हो। 40,000 रुपये से बढ़ा दिए उसने अपनी मैक्सिमम सीमा, 60,000 कर दिए, 70,000, 80,000 या 50,000? तो अब जो बढ़ के प्राइस गई वो हो गई है 50,000, यानी कि डी इसका सही आंसर है। आरबीआई ने पीएमसी बैंक ग्राहकों को राहत पहुंचाते हुए बैंक से निकासी की सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले बैंक ने 14 अक्टूबर 2019 को पीएमसी बैंक ग्राहकों को अपने खाते से 40,000 रुपये तक की निकासी की इजाज़त दी थी। आरबीआई ने पीएमसी बैंक में नकदी स्थिति की जाँच के बाद निकासी की सीमा को बढ़ा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है आप जो पीएनबी जो पीएनसी बैंक होते हैं वहाँ से आप कितने निकाल सकते हैं, 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से जो भी नए न्यू चेंजेस होते हैं उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लोक जनशक्ति पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? चिराग पासवान को, रामचंद्र पासवान को, रीना पासवान या आशा पासवान को? तो ये चुना गया है चिराग पासवान, यानी कि ए इसका सही आंसर है। चिराग पासवान पहले ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, तब से अब तक वही पार्टी के अध्यक्ष थे। लोक जनशक्ति की पार्टी एक राजनीतिक दल है। तो आपको ध्यान रखना है किसे बनाया गया है लोक जनशक्ति पार्टी का नया अध्यक्ष, वो बनाया गया है चिराग पासवान को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि पर तक पहुँचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये 42 साल से चलता हुआ एक यान था जो नासा के द्वारा बनाया गया था और अभी 2019 में सूर्य की परिधि में पहुंच गया था। आपको बताना है ऐसा कौन सा नाम इसका इस जो ये यान था इसका नाम क्या था। इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपसे इससे भी पूछे जा सकते हैं। इसको आपको नाम ध्यान रखना है, होरिजन 2 था, वेगर 2 था, इंस्टॉलर 2 था, इंस्टॉलर 1 था या मोजो 2 था? इसका नाम था वेगर 2, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वेगर 2 अंतरिक्ष विमान सूर्य की सीमा पर पहुंचने वाला इतिहास का दूसरा अंतरिक्ष विमान है। 1977 में लॉन्च किया था। इससे पहले नासा ने ही वॉयजर 1 इसकी सीमा में पहुंचा था। सूर्य से बाहर की तरफ बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर तरफ एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फेयर और इसकी सीमा के से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इसके बुलबुले जैसा जो एरिया बना था इस घेरे को कहते हैं हेलियोस्फेयर और इसकी सीमा को क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर मीडियम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इस जो ये यान है इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है वेजर 2। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बारे में ध्यान रखना है। कब लॉन्च किया था, ये 1977 में लॉन्च किया गया था और इससे पहले कौन सा था, वेजर 1, दोनों ही नासा के थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने सभी प्रांतों के नए गवर्नर नियुक्त किए हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी प्रांतों के जो 7 प्रांत है आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि नेपाल में कितने प्रांतों में डिवाइडेड है, तो आपसे ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नेपाल के लिए ही है, नेपाल के जो भी गवर्नर थे उन सबको चेंज कर दिया गया है। तो ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 7 प्रांतों के नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। मंत्रिपरिषद की
इन्हीं सभी गवर्नरों को पिछली शेर बहादुर देउबा सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इन सभी गवर्नर को कार्यकाल 5 वर्षों का। नेपाल के राष्ट्रपति भवन शीतल भवन में इन्हें पद एवं गोपनीयता दिलाई जाएगी। तो अब आपको इसी एक चीज़ और ध्यान हो गई कि नेपाल के राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं, शीतल भवन। तो आपको ये भी ध्यान रखना क्योंकि SSC के एग्जाम में अपने पड़ोसी देशों से क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस बार एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। फिर से जैसे CPO को एग्जाम होगा और इसके अलावा जो CGL का फिर से एग्जाम होगा 19 वाला, उसमें आपसे पूछा सकता है कि नेपाल का जो राष्ट्रपति भवन है उसका क्या नाम है, शीतल भवन। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये बताना आपको कौन से बैंक पर फिर से जुर्माना लगाया गया है। तो ये दो बैंकों पर लगाया, तो PNB पे भी लगाया गया था, और आपको बताना दूसरा बैंक कौन सा है। बीकानेर रूरल कोऑपरेटिव बैंक, मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लुधियाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लगाया गया है मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि 20 का सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक ने यह जुर्माना बैंक द्वारा निवेशकों, रिश्तेदारों और उन पर कंपनियों फर्मों को ऋण देने पर लगाया है तथा उन्हें हित जुड़ा हित जिसके साथ उनका हित जुड़ा है। तो ये इन लोगों ने इस पर जुर्माना लगाया है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों बैंक कौन कौन से हैं, PNB और मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मेहसाणा का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पर है, यह है गुजरात में। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने पहली बार स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है। तो खुद हमें बताना है स्टैंडिंग व्हील चेयर किसके द्वारा बनाई गई। इस टाइप से भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये ऐसा इनोवेशन है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। ये IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई है, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, या IIT अहमदाबाद के द्वारा। तो ये बनाई गई IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। IIT मद्रास द्वारा भारत में की पहली स्वदेशी निर्मित स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई गई। इस व्हील चेयर का नाम आयरिस रखा गया। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि आयरिस क्या है। तो आपको ध्यान रखना है स्टैंडिंग व्हील चेयर है जिसे बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा। इस टाइप से आप इस फॉर्मेट में ध्यान रखिए, IIT इसका नाम रखा गया आयरिस राइस, और राइस का जो है जो किस विकल जो किसी विकलांग व्यक्ति को खड़े होने में समर्थ करती है। इसे उपयोगकर्ता के द्वारा हाथ के सहारे से उठाया जाता है। 4 पहियों वाले इस व्हील चेयर को सरकारी संस्थानों द्वारा जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी सरकारी संस्थानों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको बताना है किसने जीता है स्वर्ण पदक, मनु बाकर, हीना सिंधु, अपूर्वी चंदेला, मेहुली घोष। तो ये जीता है मनु बाकर, यानी कि ए इसका सही आंसर है। मनु बाकर ने 14वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियन में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मनु बाकर ने फाइनल में 244.3 इसके स्कोर के साथ पहले स्थान रहते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनु बाकर ने पहले ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोटा हासिल कर चुके हैं। तो टोक्यो के जो ओलंपिक होंगे, टोक्यो 2020 वाले, तो उसमें भी मनु बाकर जाएगी। तो उसका सिंबल आपको ध्यान रखना है, जो ओलंपिक 2020 वाले होंगे उसका सिंबल आ गया है, वो है 8, यानी कि 8 बना हुआ एक सिंबल है जो कि ओलंपिक 2020 का होगा। और जो ओलंपिक 2020 कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं टोक्यो में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और निशानेबाजी से कौन जा रहा है, मनु बाकर जा रही है। तो आपको इस टाइप से ये पूरा ध्यान रखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।